ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। कल्याणपुर पुलिस के ऊपर लगा युवक को मारने का आरोप। आइए देखें एक खास खबर कानपुर से। जबरदस्ती चोरी लगाई, पुलिस आए दिन रोज परेशान करती रही, एक को ले जाती रही, एक को छोड़ दी थी। हमारे दो नाती है लावारिस, बेटा 14 साल से। सर यहाँ पर और किस वजह से यहाँ पर? देखिए, कुछ दिन पहले एक मुकदमा लिखा गया था इन्हीं के परिवार के परिजन से। उनका कल मृत्यु हो गई थी। अभी उसी का निष्कर्ष निकलने के लिए पीएम के लिए भी भेजा गया है। परिवार कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। उस आरोप के आधार पर और तहरीर भी मांग रहे हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखवाएंगे और जो भी सच है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तक तो यही मैं कह सकता हूँ। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको मैं बता दूंगा। अवगत करें, चिन्हित किए गए हैं जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपके सामने चौकी इंचार्ज मौजूद है और इनका कहना है कि चौकी में इनको तो चौकी इंचार्ज के ऊपर तो कोई ऐसे मतलब पुलिस के ऊपर तो आरोप तो नहीं लगा रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि कोई पुलिस आए थे जो अन्य जगह से, वो हमें हम पता करवाएंगे। जांच के उपरांत जो भी जिनका भी निकलेगा जो भी सच है। जो मुकदमा लिखवाया गया था लूट का, इस पे सर अभी तक पुलिस ने क्या जांच करी? क्या ये मुकदमा सही है? इस पे मुकदमा लिखा गया था जिस आरोप में पुलिस, अभी हम मुकदमा को मुकदमा हमने देखा है, उसके जांच के प्रगति भी अभी मांगे हैं। उस जांच भी जो भी प्रगति हुआ है आपको अभी थोड़े देर में हम अवगत कराएंगे। सर, लड़के की बहन कुछ लोगों पर आरोप लगा रही है कि पुलिस कर्मियों ने पीटा इसलिए हत्या हुई है, इस पर अभी तक क्या? नहीं, वही उन्हीं से वही तो बात हो रही थी। अभी फिलहाल चौकी इंचार्ज भी यहीं पे है। उनका कहना है कि चौकी पे मारा है, लेकिन चौकी इंचार्ज यह है और चौकी इंचार्ज को वो वही खुद सज्जन कह रहे हैं, तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसने मारा है या क्या है हुआ है। जो भी निष्कर्ष निकलेगा जांच के उपरांत हम लोग उसको नहीं, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं क्योंकि गरीब परिवार तो है ही, तो जो भी आर्थिक मदद प्रशासन से होगी वो होगा। और बाकी हम भी मतलब सीपी सर के माध्यम से हम लेटर भी लिखेंगे और जो भी इनके लिए मदद होना है वो हम करवाएंगे और हमारे तरफ से भी पूरा उनके लिए सहयोग रहेगा। किस बात के लिए आपके भाई को उठा के ले गए थे? क्या मामला? भैया पीछे मकान बना हुआ, यस भाई दीक्षित उन्होंने मेरे भाई को, हम लोग नहाते वाते थे, मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है। बताइए सर कि आप नहाती है तो वो वीडियो बनाते थे। कल्याणपुर थाने और पंखी चौकी पे पुलिस वाले थे। पंखी रोड चौकी? जी 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 जी। अच्छा, कितने लोग थे? कितने लोग थे? लोग थे। कितने बजे आए थे इनको लेने? दिन में आए थे 1:30-2 बजे। कितने दिनों तक रखा ये? दोपहर में ले गए, शाम को 10-11 बजे तक रखे हैं। उस पे बाद जब 10-11 बजे छोड़ा था तो कैसी हालत थी उनकी आपके भाई? घर मेरा बच्चा मरा आया है, जिंदा नहीं आया है। हम धमकी होती तो भैया वो नहीं बोल पा रहे। भैया मैं जाऊंगी तो अपनी लंबे से डर देंगे। बहुत डर लग रहा है। क्या क्या नाम था? अमित कुमार साय चौकी इंचार्ज और सुनील कुमार, चंजीत सिंह, ये सब पुलिस वाले थे। अच्छा, तो जब वो आपके पास छोड़ गए तो क्या कहा पुलिस वालों ने? मेरे पास छोड़ नहीं गए थे, हमको फोन पर पे बुलाया था कि अपने भाई को ले जाओ। जब आ गए तो क्या हुआ? वहाँ पे गए, बस हमसे साइन करवाए, मेरा नंबर मोबाइल नंबर। वहाँ पे भाई, आपके भाई की हालत कैसी थी जब वहाँ पे मौके? वो लेटा हुआ था, लात मार तो उठा दिए, वो उठा एकदम चल भी नहीं पा रहा था, ऐसी हालत में वो बाहर आया। आप लोगों ने पूछा था कि उसकी हालत ये क्यों ऐसी? हमने पूछा था भैया, पैसा मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, तो हमने तो भैया पुलिस वालों ने मारा तो वो मुझे नहीं मार बेटा, बस ये बोल रहा था, हमको बहुत डर लग रहा है, घर में नहीं आया। अभी आप बता रही थी पुलिस कह रही थी कि अस्पताल ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं कह रही थी, हम खुद ही ले गए थे। जब उसकी ऐसी कंडीशन थी तब दूसरे दिन हम खुद ले गए थे और ले गए परेड तक पहुँचे थे, बड़े चौरा वो भी नहीं पहुँच पाए, वो उस दिन पहले ही दम घुट गया भैया।